हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। सो दोस्तों, मनीषा के दिनचर्या ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज मैं आप लोग को अपने तरीके से पनीर चिल्ली बना के दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, पनीर चिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले चलिए देखती हूँ मसाला में क्या क्या उसमें लगेगा, तो मैं ले लेती हूँ। सो दोस्तों, पनीर चिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले देखिए मैं पनीर ले ली हूँ, जो कि मैं घर पे ही बनाई हूँ खुद से, और इसको मैं काट ली हूँ। तो पनीर चिल्ली बनाने के लिए मैं मसाला ली हूँ कुछ। मसाला में ये प्याज है और ये धनिया हुआ और ये लाल मिर्च हुआ। लाल मिर्च के जगह आप हरी मिर्च लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, और थोड़ा जीरा है। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, आप लोग भी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, पनीर को अभी साइड रख देंगे और सबसे पहले इसका मसाला रेडी करेंगे। तो मसाला रेडी करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले मैं प्याज को भूंज के लूँगी। इसको मैं भूंजूँगी तब इसका मैं पेस्ट तैयार करूँगी। तो मैं कई किस तरह से इसको तैयार करती हूँ आप लोग चलिए देखिए। और साथ में ये धनिया भी मैं भूंजने वाली हूँ। तो इसका अगर पाउडर आप लोग के पास है तो वैसे अगर इसको डालते हैं भूंज के तो अच्छा टेस्ट आता है। अभी ताज़ा ताज़ा भूंज के डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका आता है, सेंट आता है। तो भूंजा हुआ वो जो बनाया हुआ जो पाउडर रहता है उसका स्वाद अलग रहता है। तो इसलिए आप लोग इसी तरह से ट्राई करें, इस तरह से जैसे मैं भूंज के डालूंगी उस तरह से आप लोग ट्राई करें, बहुत ही अच्छा बनता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। मसाला भूंजने के लिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ जो कि गर्म हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और ये जो है जीरा, इसको मैं डाल देती हूँ। और साथ में ये जो मैं सूखी मिर्च ली थी इसको भी मैं डाल दूँगी। और ये 2 चम्मच धनिया है, इसको भी मैं डाल दूँगी। ये सब जब ठीक से पक जाएगा दोस्तों, तब मैं इसमें डालूँगी प्याज और लहसुन। तो इसको ठीक से मैं पकने देती हूँ। ये देखिए जीरा पक गया है और ये भी पक गया धनिया से। देखिए मिर्च का भी कलर चेंज हो गया, ये पक गया, देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा कलर आ गया है, पक गया है। तो इसमें भी थोड़ा सा लहसुन है तो इसको मैं डाल देती हूँ। और साथ में ही मैं प्याज को भी डाल दूँगी, जो प्याज में काट के रखी थी उसको मैं डाल देती हूँ। और बहुत अच्छी मिला के मैं भून लूँगी। इसी तरह से आप लोग मसाला रेडी करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा बनता है। अभी मैं चाहती थी इसमें जो धनिया था इसका पाउडर भी बनाया हुआ मैं डाल सकती थी, पर इस तरह से ताज़ा ताज़ा भून के डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, सेंट भी बहुत ही अच्छा आता है। जो कि बनाया हुआ जो पाउडर रहता है पहले से ऐसा नहीं आएगा सेंट, तो इसीलिए इस तरह से भून के डालें। अब इसको मैं थोड़ा देर पकने देती हूँ। किस तरह से पकाना है वो मैं दिखाती हूँ, कितना पकाना है देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा से कलर चेंज होते जा रहा है। इसको गोल्डन नहीं करना है दोस्तों, है ना, इसको और थोड़ा सा 1 मिनट पकाना है। और इसके बाद फिर इसका पेस्ट बनाएंगे। इसका पेस्ट मैं मिक्सी में बना लूँगी, तो अगर आप लोग के पास नहीं है तो सिला लोरी पे भी आप इसको पीस सकते हैं। अच्छा पाउडर बन के रेडी हो जाएगा, अच्छा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये अब हो गया है। तो इसको मैं और 1 मिनट पकाई, हो गया। तो इसको मैं अब निकाल लेती हूँ जार में और इसको इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। सो दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन के रेडी है। इसको मैं जो अभी भूंजी थी इसका मैं पेस्ट बना ली हूँ। तो दोस्तों, चलिए इधर पे कढ़ाई गर्म होने भी रख दी थी, गर्म हो गया है। तो फिर से इसमें मैं तेल परन दूंगी, तो इसमें मैं तेल थोड़ा सा डाल देती हूँ। तेल थोड़ी सी गर्म होने दीजिए। अब इसी में मैं डाल दूंगी थोड़ी सी राई दाना। अब ये देखिए चटकने लगा, अब इसी में मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी देखिए जीरा, तेज़पत्ता, ठीक से इसे खा जाए। और फिर इसी जगह मैं डालूंगी पेस्ट, इसको थोड़ी देर पका लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी हल्दी पाउडर। देख सकते हैं दोस्तों कि मैं कितना अच्छा से इसका कलर चेंज होते जा रहा है। तो इसी जगह आप दोस्तों अगर टमाटर पसंद करते हैं तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, जैसे मैं प्याज भूंजी उसी तरह साथ में टमाटर भी भूंज लें और साथ में ही पेस्ट बना के आप डाल सकते हैं। तो अभी मैं टमाटर साइड रखी हूँ, तो आप लोग को डालने का इच्छा है तो आप लोग डाल सकते हैं। तो ये लगभग ये देखिए हो गया है, थोड़ी देर में और हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मसाला का कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। मैं पीछे कैसा डाली थी और इसका कलर अभी देखिए सही भुंजा गया है दोस्तों। मैं पहले भी तेल में इसको भूंजी हूँ तो इसकी तो ऐसे भुंजा गया है। मैं देखिए तेल छोड़ दिया,
फिर हो जाए मसाला। तो अब इसमें मैं पनीर डाल देती हूँ। पनीर डाल के, पनीर मैं यहाँ पे फ्राई नहीं की हूँ, आप लोग चाहे फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ताज़ा पनीर घर में बनाई थी अपने से, तो इसलिए मैं फ्राई नहीं की हूँ। इसको थोड़ी सी इस तरह से एक मिनट भूज के फिर इसमें हल्का पानी डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, लगभग एक मिनट में इसको भूज ली हूँ। तो दोस्तों अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा गर्म डालना है, और इसको थोड़ा सा उबलने देंगे। मेरा बहुत ही मुलायम पनीर था। अब यहीं पे मैं नमक डाल दूंगी। नमक अपना स्वाद अनुसार डाले दोस्तों। तो अब इसको मैं दो तीन मिनट के लिए ढक के पका लेती हूँ। सो दोस्तों ये देखिए, बस दो तीन मिनट में लगभग, ज़्यादा बस ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, गाढ़ा रहना चाहिए। तो इस तरह से फिर देखिए दोस्तों ये बन गया है। अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों ये पूरी तरह से हो गया है, गाढ़ा एकदम से रस है। देखिए अब बीच बीच में पनीर भी है, इसको मैं अब निकाल लेती हूँ। इसको आप दोस्तों पराठा या रोटी की सब्जी के साथ पसंद है आपको, आप खा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि कितना झटपट पनीर चिल्ली बनके रेडी हो जाता है। आप लोग को अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी मेरी तरीके से तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, बन गया है। सो दोस्तों आप लोग देखिए कि पनीर चिल्ली कितना झटपट बन के रेडी हो जाता है। तो आप लोग को मेरी तरीका से पनीर चिल्ली बनाया हुआ कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी दोस्तों तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए हैं दोस्त, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो दोस्तों कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तो आज तक के लिए बाय बाय।